सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स का ये 10वां वीडियो है। ये इस पूरे चैप्टर का खाका है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल वाई इक्वल्स टू यू वी व्हेन यू इज गिवन। दूसरा टाइप है टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल बाई चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज बाई रिड्यूसिंग द इक्वेशन टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, दैट इज बाई रिमूविंग द टर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तीसरा टाइप है टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और टाइप डी, चौथा टाइप है टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल बाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये हम पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, ये पढ़ चुके, और अब इसकी बारी है। इसको शुरू करने से पहले पहले आपको एक एहसास हम दिलवाएंगे कि ऐसा होता है। इसको ऐसे लिख लिया जाए, सम कॉन्सेप्ट। लेट अस कंसीडर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई इक्वल्स टू जीरो, दैट इज डी स्क्वायर माइनस फोर दिस होल ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स टू जीरो, नंबर वन। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये। इसके कंप्लीट इंटीग्रल के दो हिस्से होते हैं, एक कंप्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा? देखो m रखते हैं ना, एम स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इक्वल टू फोर, एम इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो ये सी एफ हो जाएगा सी वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें होगा नहीं। आपको हमको सिर्फ ये बताना है ये हिस्सा एक सोलूशन है इंडिपेंडेंट अकेला, ये भी हिस्सा एक सोलूशन है, तो ये पर्टिकुलर सोलूशन होगा, ये भी सोलूशन पर्टिकुलर होगा। सोलूशन ऑफ वन इज, यहां चाहो तो लिख दो पर्टिकुलर इंटीग्रल निल वाई इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर टू एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स, ये जनरल सोल्यूशन है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी वन सी टू को हम पर्टिकुलराइज कर दें, इनको पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन कर दें, तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशंस मिलेगा। पहली बात यह है कि वाई इक्वल टू सी वन ई टू द पावर टू एक्स इज अ सोल्यूशन, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन। ऐसे ही वाई इक्वल टू सी टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स, सॉरी सी वन हटा लो, सी वन को भी हमने वन कर दिया, सी टू को भी वन कर दिया, इज अ सोल्यूशन। ये चीज आपको हमें बतानी है। तो देखना आप y इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू टू ई टू द पावर टू एक्स, वाई डबल डैश इक्वल टू फोर ई टू द पावर टू एक्स, और ये इक्वेशन क्या है, वाई डबल डैश माइनस फोर वाई, देयरफॉर वाई डबल डैश माइनस फोर वाई बराबर क्या होगा, वाई डबल डैश यानी कि फोर ई टू द पावर टू एक्स माइनस फोर टाइम्स ऑफ वाई, फोर ई टू द पावर टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला आ गया, इसने डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। इसी प्रकार से ये भी सोल्यूशन है, वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स, वाई डैश इक्वल टू माइनस टू ई टू द पावर माइनस टू एक्स, वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस टू फिर आएगा नीचे, तो माइनस टू इंटू माइनस टू यानी कि फोर ई टू द पावर माइनस टू एक्स, देयरफॉर वाई डबल डैश माइनस फोर वाई इक्वल्स टू फोर ई टू द पावर माइनस टू एक्स माइनस फोर ई टू द पावर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू जीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन संतुष्ट हो गया। तो यही आपको फील कराना था कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन के जो हिस्से होते हैं ये सोल्यूशन होते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन होते हैं। अब आइए आपको हम कॉन्सेप्ट दें, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स।
ये जो C1 C2 है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने के नाते इसको पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर को वेरी कराना है। ये कांस्टेंट पैरामीटर की जगह हमें फंक्शन ऑफ एक्स डाल देना है। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, वेयर पी क्यू आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स। इसको एक अलग नोटेशन में हम डाल दे रहे हैं, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा हुआ है कि वाई एन का मतलब होता है डी एन वाई अपॉन बस केवल डी एन वाई, सॉरी डी एन वाई, यानी कि डी क्या चीज है, डी बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये क्या चीज है, यह डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ये सब नोटेशन से आप परिचित हैं। तो यही नोटेशन जो सफिक्स नोटेशन होता है इसी को डालने जा रहे हैं। तो हो जाएगा वाई टू प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, नंबर वन। कंसीडर वाई टू प्लस पी वाई वन प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू जीरो, नंबर टू। इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड, ये आप जानते हैं फिर भी हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ वन। तो इसका सोल्यूशन हम निकालेंगे, लेट वाई इक्वल टू सी वन यू प्लस सी टू वी, वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट क्यों डाले हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर लीनियर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स कॉमा बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ टू, देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ वन इज सी वन यू प्लस सी टू वी, यू यू वी के बारे में पहले लिख चुके हैं, वेयर सी वन सी टू के बारे में चलो लिख दें, वेयर सी वन एंड सी टू आर द पैरामीटर्स। इन्हीं पैरामीटर्स को हम वेरी कराएंगे, इनको हम वेरिएबल बना देंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। एक चीज पर यहां जो हम आपको अभी पहले समझाए थे ना, सम कंसेप्ट हुए, सिंस y इक्वल टू सी वन यू प्लस सी टू वी इज जनरल सोल्यूशन ऑफ टू, इसका सोल्यूशन था ये, देयरफॉर y equals to u and y equals to v are solutions
ऑफ टू एंड सो सेटिस्फाई करो ये टू को, y2 टू माने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और y की जगह हमने u रख दिया तो हो जाएगा u2 टू प्लस पी यू वन प्लस क्यू यू इक्वल्स टू जीरो नंबर थ्री एंड v2 टू प्लस पी वी वन प्लस क्यू वी इक्वल्स टू जीरो नंबर फोर। u2 से मतलब है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, u1 से मतलब है डी यू वाई डी एक्स। लेट y इक्वल्स टू कैपिटल ए यू प्लस कैपिटल बी वी नंबर फाइव बी कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ वन वेयर ध्यान रखिए इसी से बनाया गया है C1 C2 पैरामीटर्स की जगह ये वेरिएबल पैरामीटर डाल दिया, वेरिएबल डाल दिया गया A और B वेयर A एंड B आर फंक्शंस ऑफ X आर फंक्शंस ऑफ X फुल स्टॉप। टू फाइंड A एंड B अब हेडिंग डालिए टू फाइंड ए एंड बी और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। To find capital A and B. Differentiating 5, जिसको आपने solution माना with respect to x we get y1 equal to a u1 plus a1 u यहां ये one suffix जो लग रहा है ये first derivative के लिए plus b v1 plus b1 v equals to ब्रैकेट ए यू वन प्लस बी वी वन प्लस इन अनदर ब्रैकेट ए वन यू प्लस बी वन वी। वी चूज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, वी चूज कैपिटल ए एंड बी इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट दिस इज इक्वल टू जीरो। ए वन यू प्लस बी वन वी इक्वल्स टू जीरो नंबर सिक्स। दस वी हैव वाई वन इक्वल्स टू ए यू वन प्लस बी वी वन नंबर ए और बी को जो हम चूज कर रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं ए और बी का जो चॉइस है वो इस पे डिपेंड हो गया। इसको अब फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट
y2 इज इक्वल टू a u2 प्लस a1 u1 प्लस b v2 प्लस b1 v1। नंबर 8, putting the values of y, y1, y2from 5, 7 and 8. From 5, 7, ये y है और ये y1 है और ये y2 है, इसको उठा के नंबर 1 में रखा जाए। Putting the values of y, y1, y2 from equation number 5, 7, 8 किस में रखना है? In 1 we get, पहले y2 लिखा जाए, a u2 plus a1 u1 plus, चलो लिखा गया, b1 v1 plus b v2 bracket closed plus p into y1 a u1 plus b v1 plus q y ए यू प्लस बी वी इक्वल्स टू आर। पैकेट्स बनाएंगे इसमें, एक ए का पैकेट, एक बी का पैकेट और एक बिना ए और बिना बी वाला। Implies that capital A into, चलो भाई A एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, U2 plus P U1 plus Q U plus capital B into, कैपिटल बी ये है वी टू और कैपिटल बी कहाँ है, यहाँ पे, प्लस पी वी वन और यहाँ पे, प्लस क्यू वी प्लस बिना ए और बिना बी वाले, एक ये है, एक ये है, बस ए वन यू वन प्लस B1 V1 equals to R। दो रिजल्ट्स और थे, रिजल्ट नंबर उस पर पड़ा था टू फाइंड A एंड B के पहले, थ्री एंड फोर। थ्री में U डबल डैश प्लस U P U डैश प्लस Q U इक्वल्स टू जीरो था, फोर में V2 वही V डबल डैश या V2 U2 प्लस P U1 प्लस Q U बराबर जीरो था इक्वेशन नंबर थ्री में, V2 प्लस P V1 प्लस Q V इक्वल टू जीरो था इक्वेशन नंबर फोर में। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट कैपिटल A इंटू जीरो प्लस कैपिटल B इंटू जीरो प्लस A1 U1 प्लस B1 V1 इक्वल्स टू R बाय थ्री एंड फोर। सो फाइनली वी गेट ए वन यू वन प्लस बी वन इक्वल्स टू आर। नंबर 9,
अब हम 6 और 9 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. देखो 6 और 9 को a1 और b1 के लिए, तो a1 b1 की वैल्यूज आ जाएंगी, उन्हें हम इंटीग्रेट कर देंगे. यहाँ a1 का मतलब है लिख ना, a1 का मतलब यहाँ पे dA अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में पहला डेरिवेटिव, और b1 का मतलब है dB अपॉन dx. तो लिखिए फिर सॉल्विंग 6 और 9 साइमल्टेनियसली, साथ साथ साइमल्टेनियसली मिलाकर साथ साथ वी गेट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल A1 एंड कैपिटल B1 विच ऑन इंटीग्रेशन गिव कैपिटल A एंड कैपिटल B. तो ये जो हेडिंग था ना टू फाइंड A एंड B, ये आपको प्राप्त हो गया. और आपने माना हुआ है कि माना y बराबर au प्लस bv कंप्लीट सोल्यूशन है. तो u और v पहले से मालूम हो गया है, a और b मालूम इस तरह से मालूम हो गया. फाइनली वी गेट कंप्लीट इंटीग्रल y इज इक्वल टू कैपिटल ए यू प्लस कैपिटल बी वी. अब जब हम वर्कआउट करेंगे तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग थोड़ी करेंगे. फिर हम देखो कैसे करेंगे, कुछ स्टेप लिख दे रहा हूं. वर्किंग रूल एल्गोरिथम y2 प्लस पी y1 प्लस क्यू y इक्वल्स टू आर, ये दिया हुआ है. कंसीडर y2 प्लस पी y1 प्लस क्यू y इक्वल्स टू 0. फिर इसको सॉल्व करिए. लेट y इक्वल्स टू c1 u प्लस c2 v where u and v are functions of x, आएगा ही, मैं सब लिखने की कोई जरूरत नहीं. b its solution thus c1 u plus c2 v is complementary function of 1 where C1 comma C2 are arbitrary functions, arbitrary constants, that is parameters. Let देखो इतना करने से आपको u और v मिल गया. लेट y इज इक्वल टू कैपिटल ए यू प्लस कैपिटल बी वी बी कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 वेयर कैपिटल ए कैपिटल बी आर फंक्शंस ऑफ x चोजन इन सच अ वे दैट एक कंडीशन आया था ना, क्या था वो, a1 u प्लस b1 v बराबर 0, a1 u प्लस b1 v बराबर 0. नंबर 3 या आपको लगे तो इसको ही 3 कर लो, यहां पे इसे 4 कर लो. वर्किंग मेथड, वर्किंग रूल, वर्कआउट करते समय बस इतना स्टेपिंग करनी. ये सब बड़ा बड़ा काम सेटिस्फाई करा वरा कुछ देखना नहीं,
इसके बाद हमने ये पाया कि जो इक्वेशन वन था वो इक्वेशन नाइन में रिड्यूस हो गया। बस ये डायरेक्ट लिखना है। इक्वेशन वन रिड्यूसेस टू, इक्वेशन वन रिड्यूसेस टू ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन इज इक्वल टू आर, नंबर फाइव। अब फोर एंड फाइव को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए वन बी वन की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्विंग फोर एंड फाइव साइमल्टेनियसली वी गेट वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए वन एंड कैपिटल बी वन विच ऑन इंटीग्रेशन गिव कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। फाइनली वी गेट जनरल सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू कैपिटल ए यू प्लस कैपिटल बी वी। U और V आपको मिला इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करने से, A और B इस तरीके से मिला, ठीक है ना। और ये कंप्लीट सोल्यूशन है जो कि जनरल सोल्यूशन भी है क्योंकि इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन उठाएंगे तो वीडियो साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं ना। एक बार हम सी एफ निकालते हैं उसके बाद फिर इतना काम करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल उठाने का काम अगले वीडियो से। Thank you.